हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका इस नए वीडियो में तो इस वीडियो के अंदर हम छोटी सी चीज देखने वाले हैं जो काफी लाइक बिगिनर्स को नहीं पता होता ये वीडियो एक्चुअल में बिगिनर के लिए है जिन लोगों ने लाइक रिएक्टिव स्टार्ट किया है सीखना बिल्कुल बिगनर के लिए तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम एंड्रॉयड लाइक आयोज का ऐप रन करते हैं तो हमें डिफॉल्ट आइकन मिलता है देखने को ऐप लोगो जो होता है ऐप आइकन होता है जो वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट में हमें Uh, कुछ एंड्रॉयड का कुछ ऐसा दिखाई देता है और आईओएस का हमें आईओएस का जो भी हमारा डिफॉल्ट वाला होता है वो दिखाई देता है ठीक है तो कैसे हम लाइक एंड्रॉय uh, और आईओएस दोनों में आइकन्स को ऐड uh, कर सकते हैं जो भी हम लोगो बना रहे हैं वो लोगो ऐड कर सकते हैं और लाइक अगर लोगो किसी ने दिया है और हमें बोला है कि यार इस लोगो को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो अपनी फाइल्स में जो भी आप एंड्रॉय आईओएस में लगाना चाह रहे हो तो वो कैसे करेंगे तो इस वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे पूरा और लगा के देखेंगे एक लोगो को एज ए ऐप आइकन फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस ओके तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अभी मेरे पास यहाँ पे आ, लोगो जो मैंने खुद से बनाया से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कुछ लोगो बनाए हैं जिनमें एक मैंने ट्राई किया राउंड सर्कल सर्कल बनाने का और एक मैंने यहाँ पे लाइक राउंड कॉर्नर के साथ में रेक्टेंगल बनाया है ठीक है ये दो तरीके के मैंने लोगो बनाए क्योंकि एंड्रॉयड में हम दो तरीके के लोगो यूज करते हैं आइकन यूज करते हैं ठीक है अब देखते हैं कि ये नॉर्मल आइकन है इनको हम एज ए लाइक पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह में और लाइक ऐप एंड्रॉयड और आईओएस में लगाने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ हम देखते हैं ठीक है सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे एक साइट सर्च करेंगे हम ऐप आइकन जनरेटर ठीक है यहां जाएंगे यहाँ पे जाके हमें कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो इन्होंने बताया ऐप आइकन जनरेटर ड्रैग और सेलेक्ट ऐप आइकन ये एंड्रॉयड लाइक आईओएस एस एस और लाइक इसके अंदर आई लाइक आईओ के लिए जनरेट करेंगे ये और आईओस में भी ये डिवाइसेस हैं इनके लिए और एंड्रॉयड के लिए ठीक है फोर डिफरेंट साइजेस तो ये जनरेट कर देंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो भी हमने लोगो बनाया है उस लोगो को यहाँ पे मैं ड्रैग करना है तो मान लो मेरा ये लोगो है यहां से देखते हैं हम ठीक है मेरा ये वाला लोगो पहले वाला मैंने इसे ड्रैग कर दिया और मैंने इसका नाम आई लॉन्चर के नाम पर मैंने एक फाइल जनरेट डाउनलोड कर ली ठीक है ये डाउनलोड हो जाती है फाइल अगर मैं इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर में देखेंगे ऐप आइकन्स नाम का है ये एंड्रॉयड और ये आई वाला है और ये देखो प्ले स्टोर का है और ये ऐप स्टोर का मतलब आईफोन के लिए जो भी आप ऐप का लोगो रखोगे आई ओ के लिए तो ये वाला लगा सकते हो ये हम अपने एंड्रॉयड वाले प्ले स्टोर पर लगा सकते हैं और ये उसके अंदर ऐप का आइकन है ये जनरेट हुए हैं ठीक है और यहाँ पे एंड्रॉयड के जनरेट हुए हैं इन साइज के अंदर ठीक है अब एक बार हम समझेंगे कि हमें इन्हें रिप्लेस कैसे करना है एग्जिस्टिंग जो ऐप का अभी आप देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो का ये वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे ऐप एंड्रॉइड के ये दोनों हैं ठीक है इन दोनों को हम रिप्लेस कैसे करें इनका नाम अगर हम देखेंगे तो आईसी लॉन्चर आईसी लॉन्चर राउंड इस तरीके से नाम है हमें फाइल जो मिली है अभी एंड्रॉइड की बात करते हैं पहले हम एंड्रॉइड के अंदर देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड में जो नाम है वो क्या आईसी लॉन्चर ठीक है आईसी लॉन्चर ये वाला है तो ये तो आ, हमारा कैसे हो जाएगा हमें ये कौन सा वाला है जो हमने डाउनलोड किया मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं ठीक है और एक विंडो ओपन करके न्यू फाइंडर विंडो ओके मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और इस प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड एप एस आर सी मैन रिसोर्सेज और यहां देखो रिसोर्सेज में जाके ये मैप एच डी एम आई एमडीएम MDPI ये साइजेस में दिए हुए हमारे आइकंस इसके अंदर हम देखेंगे तो दोनों दिए हुए हैं IC लॉन्चर राउंड भी दिया है IC लॉन्चर भी दिया है तो हम क्या करेंगे जितनी IC लॉन्चर वाली फाइल्स हैं वो हम सेम नेम वाले फोल्डर के अंदर रिप्लेस कर देंगे जैसे मैं HDMI है तो इसके अंदर ये वाला फाइल हम क्या कर सकते हैं रिप्लेस ठीक है अब सेम चीज है यहाँ पे बैक गए mip map MDPI तो यहां हम बैक करेंगे मिप में एम डी पी आई तो ये वाली इधर रिप्लेस ठीक उसके बाद ये वाला एक्स एच डी पी आई एक्स एच डी पी आई कॉपी रिप्लेस ठीक अब बात करेंगे डबल एक्स एच डी पी आई इसके अंदर कॉपी और इसमें रिप्लेस ठीक है अब ये वाला भी हो गया हमें यहाँ पे आना ट्रिपल वाले पे ट्रिपल कॉपी रिप्लेस ठीक है ये भी हो गया ये हो गया पांच सौ साइज हमने डाल दिए अब बात करते ड्राइबल ड्रायबल के अंदर कुछ नहीं है और यहाँ पे हमने सारे चेंज कर दिए तुम्हारे क्या जो एंड्रॉयड का रेक्टेंगल वाला है वो तो चेंज हो गया पर हमें एंड्रॉयड में क्या चाहिए राउंड वाला भी चाहिए क्योंकि जिस डिवाइस में राउंड वाला सपोर्ट करता होगा वहां पे फिर से यही वाला आइकन आ जाएगा तो हमें राउंड वाले के लिए भी एक बनाना होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना राउंड वाला जो है हमारा यहाँ चलते हैं यहाँ पे मैंने जो राउंड वाला बनाया ये वाला ये वाला हम अपनी साइड पे अपलोड करते हैं और इसके हम करते हैं आइकन ओके यहाँ पे द्वारा कर सकते हैं आई सी लॉन्चर अगर हम यहाँ नाम डाल देंगे ना तो क्या होगा कि हमें वहां नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या आया है इसके अंदर ओके आईसी लॉन्चर ही दिया भाई इन्होंने वन नौन सेकंड टू है तो ये टू ही आई थिंक टू की जगह पे हमें वन टू देखते हैं इससे क्या जनरेट होता है थ्री वाले से ये सेम ही नाम जनरेट कर रहा है ये रहा ओके ये है ठीक है ये वाला हमें मिल गया है तो हम फिर से अपने प्रोजेक्ट वाला जो है वहां चलते हैं ओके यहाँ पहले एम से शुरुआत करते हैं एम डी पी इसके अंदर चलेंगे यहाँ रिप्लेस ठीक अभी ये क्या ना जो मैंने लोगो बनाया इसके बैकग्राउंड में व्हाइट है तो ये एक्यूरेट लाइक uh, like, दिखेगा नहीं राउंड की तरह बट हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसे मैं चेंजेस करना है तो वो आपको प्रोसीजर समझना है ठीक है एच डी पी आई एम डी पी आई एमडीपीआई रिप्लेस एक्स एच डी पी आई रिप्लेस एक्स एच डी पी आई डबल एक्स एच डी पी आई रिप्लेस ठीक है ओके ऐसे हम करेंगे इसके लिए ओके ठीक है अब बात करते हैं आई ओ एस की ये तो हमने कर लिया एंड्रॉय एंड्रॉयड हमने कर लिया अब बात करते हैं आई ओ एस की तो जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया सबसे पहले वाला ये वाला इसके अंदर ये वाला फोल्डर मिला है, एप ये वाला तो ये डॉट ये फोल्डर हम कॉपी कर लेते हैं पूरा और जो भी हमारा प्रोजेक्ट है यहां पे इसको ओपन करते हैं जो भी हमारा प्रोजेक्ट है फूड ऐप इसके आईओ वाले पार्ट में चलेंगे आईओ में जाके फूड ऐप नाम का एक और फोल्डर मिलेगा इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे देखो इमेजेस डॉट ये एसेट्स यहाँ पे ये फोल्डर मिला मैं ऐप आईकन्स डॉट ये ये फोल्डर पे कॉपी करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे ठीक है इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये आई करना ओके अब मैं क्या करना है अपने ऐप को रन करना है दोबारा से तो ऐप रन करना है हमें तो मैं ऐप को रन कर लेता हूं ओके रिएक्टनेटिव रन एंड्रॉइड ओके okay. अब देखते हैं इस सिम्बुलेटर में कौन सा आएगा राउंड वाला आएगा या फिर राउंड uh, वाला आएगा या फिर uh, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल वाला आएगा जो भी सपोर्ट करेगा इसके अंदर वही वाला आइकन दिखाई देगा अगर लाइक uh, like हमारे जो आइकन है वो सही सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि uh, मैंने कैनवा पर क्रिएट किया है और उसके अंदर बैकग्राउंड अभी भी शायद वाइट आ रहा है तो हो सकता कुछ है कुछ इशू आए बट मेरे हिसाब से नाइनटी नहीं आएगा देखो यहाँ पे ये या आइकन आ रहा है ठीक है बैकग्राउंड वाइट आ रहा है क्योंकि उस आइकन के अंदर ही वाइट बैकग्राउंड है बट आई थिंक इसके अंदर राउंड वाला ही सपोर्ट करेगा तो हम भी एक बार ये ऐप ओपन करेंगे फिर इसको क्लोज करके देखेंगे कि क्या आइकन आइकन ऐप दिख रहा है ओके okay, मैं इसको कर दे रहा हूं क्लोज और इसको यहां देखते हैं ये देखो राउंड वाला दिख रहा है ठीक है ये तो हो गया हमारा एंड्रॉइड का बात करते हैं आईओ की तो आईओ में एक बार आईओ को रन कर लेते हैं मुझे सिर्फ ऐप का आइकन देखने से मतलब है हो सकता है कुछ एरर भी आए क्योंकि अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट को आई एस पर रन नहीं किया है थोड़ा टाइम भी लग सकता है यहाँ पे देखेंगे हमें बस ये देखना है कि अभी जो डिफ़ॉल्ट आइकन से आप देख सकते हो इस तरीके के ऐप आइकन आ रहे हैं ठीक है इस तरीके के ऐप आइकन डिफॉल्ट में आते हैं उसके बाद देखते हैं अगर ये प्रोजेक्ट चल जाता है हमारा तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा आइकन दिख रहा है थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको रन होने में वेट कर दें थोड़ी देर सिस्टम की बैटरी भी जाने वाली है ओके सक्सेसफुली बिल्ट द ऐप रन हो जाएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा ओके okay. हमें दिख गया है फिलहाल तो दिख गया है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ऐप को और इसके हमें ऐप आइकन देखना है कि हमें दिख रहा है कि नहीं है ना तो जैसे मैंने बताया कि हमने जो ऐप आइकन बनाया उसका बैकग्राउंड कलर अभी भी वाइट वाला जो है वो गया नहीं है है ना उस वजह से ये देखो यहाँ पे वाइट दिख रहा है तो हमें आइकन बेस्ट बनाना होता है उस वजह से बट जो भी हमने आइकन बनाया वो यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा आइकन जो हमने लगाया एप आईकन वो अच्छे से काम कर रहा है ठीक है तो यही प्रोसीजर होता है एप आइकन ऐड करने का एंड ऑर्डर हुआ है अंदर तो आई होप आप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो लोग बिगिनर्स है उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो अभी के अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय